सब्सक्राइब करें आदित्य मोटराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। देश के नौजवानों कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज पल्सर 150 क्लासिक के बारे में। और इसके बारे में बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आप लोग के लिए ऐसे बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप पहले देख पाएँ। बात करते हैं कि कंपनी ने इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कंपनी के पास पहले से ही 150 सीसी के दो वेरिएंट हैं, एक पल्सर 150 स्टैंडर्ड और एक पल्सर 150 ड्यूल डिस्क, जो हाल ही में कंपनी ने 2018 का न्यू मॉडल लॉन्च किया है। लेकिन फिर भी कंपनी ने एक क्लासिक को लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि फ्रेंड जो पल्सर स्टैंडर्ड है वो जो ड्यूल डिस्क मॉडल है उसकी प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू क्लासिक के, क्योंकि जो आपको स्टैंडर्ड मिलती है उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 74,000 एक शोरूम दिल्ली, और जो ड्यूल डिस्क वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस वो है 80,000 एक शोरूम दिल्ली, और ये जो क्लासिक है उसका एक शोरूम प्राइस 65,000 एक शोरूम दिल्ली। तो यहाँ आप देखोगे स्टैंडर्ड से इसका प्राइस सीधे सीधे 10,000 रुपये कम है, लेकिन 10,000 रुपये कम है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कि इसमें आपको लुक्स में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इसके लुक्स में बहुत चेंजेस है, मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है। कंपनी ने इसमें बहुत डिडक्शन भी किया है, उसमें कुछ इन्वॉल्व भी किया है। डिडक्शन क्या किया है, आप यहाँ टैंक देखेंगे, टैंक में आपको विंग्स मिलते थे प्लास्टिक के, जो ओवरऑल बाइक का लुक बहुत अट्रैक्टिव बना देते थे, वो इसमें कंपनी ने नहीं दिए हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पल्सर की जहाँ आपको लोगों की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, 3D लोगो बनाने मिलता है, उसमें आपको रेड कलर का स्टिकर देखने को मिलता है जो बाइक को बहुत सुंदर बना देता है। यहाँ आप टैंक पर रबर की पैडिंग देखेंगे जिसे आप जींस पहनेंगे जब बाइक को राइड करते हैं, जिससे आपके टैंक को स्क्रैचेस ना आए इसलिए रबर लगाया गया है रेड कलर और ब्लैक कलर में, ताकि आपकी बाइक को बहुत अट्रैक्टिव लुक दे। पीछे का जो हैंड ग्रेवल है वो भी आपको रेड कलर में मिलता है। राइट साइड में आपको 150 सीसी का ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वो भी आपको रेड कलर में मिलती है। उसके सीट में जो आपको छन्नी दी जाती है जो आपको हमेशा पहले ब्लैक कलर में मिलती थी, वो आपको रेड कलर में दी जाती है। उसका जो हेडलाइट के फ्रंट में भी आपको एक लंबी सी स्ट्रिप मिलती है रेड कलर की, जो ओवरऑल बाइक का लुक बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसके इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसमें आपको वही 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 bhp एट 8000 rpm की पावर और 13.4 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm का टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो भी आपको 5 मिलते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट टायर्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विद एंटी फ्रिक्शन, और इसमें आपको 80/100 का रियर टायर का साइज मिलता है। इसमें आपको जो व्हील साइज मिलता है वो 17 इंचेस का मिलता है, और आपको बता दूं आपको देखने से टायर में आपको रेड कलर का स्टिकर देता है जो आपको बाइक को दिन में और रात में अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है। और इसमें जो आपको डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर मिलता है वो 240 mm का मिलता है। बात करते हैं इसके रियर टायर्स के बारे में, तो रियर में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और इसमें आपको 100/90 का टायर का साइज मिलेगा, और इसमें आपको सेम 17 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे, जिसके कारण अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आप उसको आराम से राइड कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं इसमें भी आपको रेयर में भी आपको सेम स्टिकर देखने को मिलता है लाल कलर का, जो आपकी बाइक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जिसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको पुरानी 150 में भी देखने को मिलता है स्टैंडर्ड और डुअल डिस्क वाले वेरिएंट में भी। इसमें आपको सारे बेसिक से इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल का साइन, अगर आपकी बैटरी लो है वो भी इसमें आपको बता देता है। बात करते हैं स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी की, स्विच की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेफ्ट इंडिकेटर का स्विच भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। हॉर्न स्विच, जो आपको सारे बेसिक स्विच देखने को मिलते थे वो भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, इसमें आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली अपनी बाइक को वहां से ऑफ कर सकते हो। बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको कॉर्नर्स पर कैप्टन लाइट मिलती है, जो आपकी बाइक को नाइट में बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक देती है। और यहाँ आपको वही सेम हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, जिसमें हेलोजन हेडलैम्प के ऊपर आपको एक लाल कलर का स्टिकर मिलता है, जो आपकी बाइक को बहुत ही शानदार लुक देता है। तो भाइयों, आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप कुछ डाउट्स हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चन हैं पल्सर 150 क्लासेस रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।